ऋषिकेश से मनीष रयाल जी, आप पूछ रहे हैं कि गुरुजी प्रणाम, क्या स्त्रियां शंख वादन कर सकती हैं और यदि नहीं तो क्यों नहीं। देखिए, हमारे यहाँ तो यही परंपरा है कि हमारी माताएं बहनें शंख नहीं बजाती हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि शास्त्र में इसका निषेध किया गया है कि स्त्रियां शंख ना बजाएं, इसीलिए नहीं बजाती हैं। वो सबके लिए कुछ ना कुछ आदेश किया गया है, विधि बताई गई है, और सबके लिए कुछ ना कुछ निषेध किया गया है। तो जो शास्त्र हमारे लिए विधि बताते हैं उसको हम करते हैं, और शास्त्र जिसका हमारे लिए निषेध करते हैं हम उसको नहीं करते हैं, आग्रह नहीं करते हैं कि नहीं नहीं हमें क्यों रोक रहे हैं। अगर शंख बजाने के लिए हमको मना कर दिया है तो हम मान जाते हैं, कुछ और बजा करके भगवान की आरती करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्यों नहीं, ये प्रश्न नहीं बनता है। क्यों नहीं का उत्तर यही है कि शास्त्र में इसका निषेध है। अब आप कहें कि कोई वैज्ञानिक कारण होगा, कोई शारीरिक कारण होगा, कोई मानसिक कारण होगा, तो वो आप खोजिए। हम तो शास्त्र के आदेश को मानने वाले लोग हैं, शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और हम मानते हैं कि शास्त्र ने अगर निषिद्ध किया है तो कुछ सोच करके ही निषिद्ध किया होगा, क्योंकि स्त्रियां अगर शंख बजाएं, पुरुष बजा ही रहे हैं, तो स्त्रियां अगर शंख बजाएंगी तो शास्त्र को क्या नुकसान होने वाला है? कोई नुकसान शास्त्र को हो जाएगा, शास्त्र के पन्ने फट जाएंगे स्त्रियों के शंख बजाते ही, ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो शास्त्र को कोई क्षति हो नहीं रही है, फिर भी रोक रहा है, इसका मतलब वो जान रहा है कि शंख बजाने से स्त्रियों को कोई क्षति होने वाली है, तो वो क्षति ना हो इसी के लिए उनको बजाने के लिए मना किया गया है। जो लोग अनुमान लगाते हैं कि आखिर क्यों मना किया गया होगा, वो लोग तो स्पष्ट ही इस बात को कहते हैं कि शंख बजाने से नाभि पर जोर पड़ता है और स्त्रियों की नाभि पर जोर पड़ना ठीक नहीं होता है अनेक कारणों से। उनका मासिक चक्र है, ऋतु धर्म, उनकी गर्भावस्था है, तो इन सब कारणों से उनकी नाभि पर जोर पड़ने वाला काम उनको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ऐसा कारण खोजते हैं लोग, लेकिन हम ऐसा कारण नहीं खोजते हैं। हम तो यही मानते हैं कि शास्त्र ने निषिद्ध कर दिया, इसीलिए नहीं बजाना चाहिए। और हमारी माताएं बहनें जो हमारे सनातन धर्म के घर की हैं, वो इसको मानती भी हैं, उनके मन में कोई शंका नहीं है। कुछ माताएं हैं जैसे बंगाल आदि में, वहाँ पर शंख बजाती हैं, तो उनकी परंपरा बनी हुई है, वहाँ की महिलाएं शंख बजाती हैं। लेकिन शास्त्र को मान करके जो लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, उनको तो शास्त्र के वाक्य पे चलना चाहिए, और शास्त्र में निषेध है इसीलिए उनको नहीं बजाना चाहिए। यही हमारा कहना है। नारायण।